नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज टॉक में। एक महीने में सस्ती हुई 3 बार एलपीजी, जानिए एक सिलेंडर में कितने रुपए कम हुए हैं। घरेलू रसोई गैस की सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत गुरुवार को 1.46 रुपए कम हो गई है, जबकि बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर का दाम 30 रुपए कम हुआ है। देश की सबसे बड़ी रसोई गैस कंपनी इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि गुरुवार को मध्यरात्रि से दिल्ली में सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के गैस सिलेंडर की कीमत 493.53 रुपए होगी और अभी 494.99 रुपए है। इसी तरह बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत 30 रुपए घटकर अब 659 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है। सरकारी पेट्रोल ईंधन वितरण कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम में एक माह में लगातार तीसरी बार कमी की है। इसकी मुख्य वजह इस पर ईंधन का कर का भार कम होना है। इससे पहले 1 दिसंबर को सब्सिडी वाले सिलेंडर पर 6.52 रुपए और 1 जनवरी को 5.91 रुपए की कटौती की गई। एलपीजी के दामों में कमी की अहम वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत का घटना और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति मजबूत होना है। एलपीजी ग्राहकों को सिलेंडर बाजार कीमत पर लेने होते हैं। सरकार एक उपभोक्ता को साल में अधिकतम 12 सिलेंडर की सब्सिडी देती है। सब्सिडी हर महीने अलग अलग हो सकती है, जो विदेशी मुद्रा विनिमय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार एलपीजी की कीमतों के अनुसार तय की जाती है। इस कटौती के बाद सब्सिडी वाले सिलेंडरों के ग्राहकों को उनके खाते में फरवरी से 165.47 रुपए प्रति सिलेंडर की दर से सब्सिडी मिलेगी। जनवरी में ये राशि 194.01 रुपए थी। कैसी लगी ये खबर कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट देना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की रोचक और मजेदार जानकारियों और खबरों के लिए द न्यूज टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।